कलानी में भीटा के नाम से दर्ज है, उस पर मट्टी मुकाम करते आ रहे हैं। इनकी औरत मरी थी तो पिछले बार हम लोग वही मट्टी मुकाम किए थे, बहुत विवाद हुआ था लेकिन वही मट्टी मुकाम SDM साहब के कराए। और कभी भी न इस कब्रिस्तान पे न उस कब्रिस्तान पे मट्टी मुकाम नहीं हुआ था। फिर बीच में एक कोई मैयत हो गया था तो कलानी में वहाँ बड़ौरा नैनवा में प्रधान जी लड़वाए। उसके बाद वहाँ विवाद हो गया जबकि कलानी बड़ा अलग हो गया प्रधानी में, जब एक में था तो कोई विरोध नहीं था, अलग हो गया तो यहाँ का वो सब प्रधान विरोध करा रहे हैं। अगर वहाँ कब्रिस्तान होता, कब्रिस्तान के नाम से मान लीजिए भूमि होती, तो आपकी बात बिल्कुल सही होती कि सब जब वहाँ कब्रिस्तान है तो फिर यहाँ क्या। और कब्रिस्तान के नाम से अगर सरकारी कोई भूमि मान लीजिए आवंटित है तो ये उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ अंसारी के लिए ही है, ये साईं के लिए है, ये धोबी के लिए है, कहाँ लिखा हुआ है? जो कब्रिस्तान है वहीं हो सकता है। हमने तो आपके नाम से आवंटित नहीं किए कि भाई ये सिर्फ अंसारियों के लिए है, ये सिर्फ साईं के लिए, लिखा पड़ी में कोई आदेश हुआ तो दिखा दीजिए। आज तक हम 10-20 बार इसके चक रोड है उसके लिए कंप्लेंट की और बराबर का है। और ये तो आप मानेंगे कि एक तो वो 417 यार बड़ा है। नहीं सर, बिल्कुल है मेरा होगा तो उतने में हम ए बाबू काहे इतना देर करत बड़ हो, अगर अच्छा लागल तो जनता जनार्दन YouTube चैनल के सब्सक्राइब करल जाओ और लाल घंटी जरूर दबाओल जाओ। ए बाबू काहे इतना देर करत बड़ हो, बढ़िया लागल तो जनता जनार्दन YouTube चैनल सब्सक्राइब करल जाओ ना और लाल घंटी जरूर दबा के। ए बाबू काहे इतना देर करत बड़ हो, अब बढ़िया लागल तो जनता जनार्दन YouTube चैनल सब्सक्राइब करल जाओ ना, लाल घंटी जरूर दबा के।